हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऋषि की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे और ऋषि की मात्रा के बारे में जानेंगे। ऋषि की मात्रा कर्व लाइन के रूप में कुछ इस तरह बनाई जाती है, आप देख सकते हैं ऐसे, और यह शब्द के नीचे लगाई जाती है, वर्ड के नीचे लगाई जाती है। जैसे वृ वृक्ष, वृक्ष, व के नीचे र, प्रस, वृक्ष, इसे हम इस तरह लिखेंगे, वृक्ष, वृक्ष। ग्रह, इट मीन्स ग में र, ग्रह। ये लाइन इस तरह कर्व लाइन के रूप में बनाई जाएगी, ग्रह प्लस क्ष है, ग्रह। ग्रह इट मीन्स घ में र प्लस ऋणा, घृणा। अब हम रेफ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, र रेफ। रेफ की मात्रा र का आधा रूप होता है, जहां पर र के आधे रूप का प्रयोग होता है वहां पर रेफ की मात्रा प्रयोग होती है। र का आधा रूप, और इसे वर्ण के ऊपर इस तरह लगाया जाता है, जैसे ब र फ, ब प्लस र प्लस फ, बर्फ। यहाँ पर र ब और फ के बीच में प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे रेफ की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, ब र फ, बर्फ। उसे कुछ इस तरह लिखा जाएगा, प प्लस र प्लस व प्लस त, पर्वत, पर्वत। जहां पर र बोला जाएगा उसके अगले वाले वर्ण के ऊपर इसे लगाया जाएगा, जहां पर र आधे र का प्रयोग हो रहा है उसके अगले वाले वर्ण के ऊपर इस र का प्रयोग रेफ के रूप में किया जाएगा। यहां पर ध्यान देने की बात यही है कि जहाँ पर आधे र का प्रयोग हो रहा है उसके आने वाले वर्ण के ऊपर इस र का प्रयोग रेफ के रूप में किया जाएगा। आइए अब हम पदेन की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, र पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा दो प्रकार से लगती है, एक स्लैंटिंग लाइन के रूप में और एक अपोजिट वी के रूप में। जहां पर वर्ण क ग प, जहां पर वर्ण में जिस वर्ण को लाइन के रूप में यूज किया जाता है, इट मीन्स क में लाइन है, ग में लाइन है, प में लाइन है, भ में लाइन है, म में लाइन है, वहाँ पर पदेन की मात्रा स्लैंट, पदेन की मात्रा का स्लैंटिंग लाइन के रूप में यूज़ किया जाएगा, इट मीन्स क में र इस तरह यूज किया जाएगा, क्र। यहाँ पर क आधा और र पूरा, इट मीन्स क में र, क्र। ग में र ग्र, प में र प्र, भ में र भ्र, म में र म्र। इसके कुछ वर्ड पढ़ते हैं, क में र क प्लस र आधा, क प्लस र प्लस म बना क्रम। आधा ग प्लस र प्लस ह बना ग्रह।
और जहाँ पर घुमावदार वर्ण होते हैं जैसे ड्र, ट, घ, ट, ठ इत्यादि, वहाँ पर पदेन की मात्रा अपोजिट वी के यूज वी के रूप में प्रयोग होती है कुछ इस तरह। इसके कुछ वर्ण हम पढ़ते हैं जैसे ड प्लस र प्लस म, ड्रम, ट प्लस आ प्लस रा प्लस म प्लस ट्राम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप अनेक शब्दों को बना सकते हैं। थैंक यू।